डेस्टिनेशन वेडिंग्स क्या होती हैं, इन्हें कौन करते हैं। पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में डेस्टिनेशन वेडिंग्स के बारे में क्या कहा और पीएम मोदी ने डेस्टिनेशन वेडिंग्स को लेकर क्यों जताई चिंता, आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब बातों के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी टाइम्स, मैं हूं आपके साथ बबली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इस बार डेस्टिनेशन वेडिंग्स को लेकर चिंता जताई है। अब मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स क्या होती है। तो भाई, डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती है जिनमें लोग भारत से दूर यानी कि दूसरे देश में जाकर अपनी शादी करते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए पीएम मोदी ने कहा है कि भाई अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर शादी करना ये ट्रेंड ठीक नहीं है, ये गलत है। इसलिए आप सभी को अपने ही देश में रहकर शादी करनी चाहिए और इससे दो फायदे भी होंगे। पहला फायदा ये कि अपने देश का पैसा अपने ही देश में रहेगा और दूसरा ये कि भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत रहेगी। इसके अलावा मोदी जी ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। कुछ परिवारों में विदेशों में जाकर के शादी करने का जो एक नया ही वातावरण बनता जा रहा है, क्या ये जरूरी है? क्या भारत की मिट्टी में भारत के लोगों के बीच अगर हम शादी ब्याह मनाएं तो देश का पैसा देश में रहेगा, देश के लोगों को आपकी शादी में कुछ न कुछ सेवा करने का अवसर मिलेगा, छोटे छोटे गरीब लोग भी अपने बच्चों को आपकी शादी की बातें बताएंगे। क्या आप वोकल फॉर लोकल के इस मिशन को विस्तार दे सकते हैं? क्यों ना हम शादी ब्याह ऐसे समारोह अपने ही देश में करें? हो सकता है आपको चाहिए वैसी व्यवस्था आज नहीं होगी, लेकिन अगर हम इस प्रकार के आयोजन करेंगे तो व्यवस्थाएं भी विकसित होगी। ये बहुत बड़े परिवारों से जुड़ा हुआ विषय है। मैं आशा करता हूँ मेरी ये पीड़ा उन बड़े बड़े परिवारों तक जरूर पहुंचेगी। तो भाई, सुना आप सभी ने पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। ये बात तो आप सभी ने भी महसूस की होगी कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स का ट्रेंड आजकल कुछ ज्यादा ही चलन में है और इस तरह की वेडिंग ज्यादातर अमीर लोग और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ही करते हैं। दोस्तों, आपका डेस्टिनेशन वेडिंग्स के बारे में क्या कहना है और आपको ये वेडिंग कैसी लगती है हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडी टाइम्स। Oh, my God.